तकरीबन 250 रुपये किलो आलू, छोटे वाले प्याज आधा किलो 220 रुपये, और अगर आपको बड़े प्याज लेने हैं तो आपको 240 रुपये की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हालात है श्रीलंका की सबसे बड़े वेजिटेबल और थोक सब्जी के बाजार में जहाँ पे हम खड़े हैं। तकरीबन 250 रुपये किलो आलू, छोटे वाले प्याज आधा किलो 220 रुपये, और अगर आपको बड़े प्याज लेने हैं तो आपको 240 रुपये की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हालात है श्रीलंका की सबसे बड़े वेजिटेबल और थोक सब्जी के बाजार में जहाँ पे हम खड़े हैं। ये समुद्र के किनारे बने हुए जो शिपमेंट्स आती हैं, जो पोर्ट सिटी है उसके बाहर का बाजार है, जहाँ पे मूलतः सब्जियां और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं वो बाकी बाजार से थोड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वैसी स्थिति में लोग अब कर्फ्यू हटने के बाद यहाँ पे आके अपने घरों के लिए फल सब्जियाँ खरीदते हैं। जल्दी कुछ लोग से बात करते हैं। सर, प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई सर। Everything price has gone high, sir. Yes. How are you facing? How are you managing your budget? Our budget. Is it difficulty for managing your budget? Yes. Very difficult. How much is this for? 180 rupees. How much for this? 180. Okay. Oh, 1 kilo. Price has gone up. தெரியாது ஆ என்ன சொல்றாரு கோன் அப் எனக்கு கூட போகுதான்னு எஸ் எஸ் கோன் அப் கோன் அப் சோ ஆம் தோர் பே லோக் ஜோ யஹா பே அபி பாஜார் மே நிகல் நீ பா ரஹே தே கியோகி யஹா பே பிச்சே குச் தினோ சே ஜேசே ராஜநீதிக் ஹாலாத் தே ஔர் யஹா பே ஜகஹ் ஜகஹ் தர்னே பிரதர்ஷன் ஹோ ரஹே தே பீட் காஃபி உக்ர ஹோ ரஹீ தி வைசே ஹாலாத் மே யே மண்டியா பந்த் தி அப் ஜப் மண்டியா குல் சுகி ஹே தோ லோக் பாஜார் கி ஔர் வாபஸ் அப்னா ருக் கர் ரஹே ஹே ஸ்திதி कब तक ठीक होगी ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोग के जहन में है। लेकिन जब तक ये स्थिति यहाँ की ठीक नहीं होती, लोगों को इसी तरीके से महंगी सब्जियाँ, महंगे फल खरीदना पड़ सकता है। कैमरा के पंकज गुप्ता के साथ प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स एडवोकेट के लिए कोलंबो से।